वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने लॉग टेबल को समझा था कि लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं और लॉग को हम यूज़ कैसे करते हैं। एंटी लॉग के बारे में भी हमने समझा था और उससे रिलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में अटेम्प्ट किए थे। मैं कल की ही बात कर रहा हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8 आपका जेके ठकराल की बुक का। आइए जरा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। पहले मैं आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। पहले आप टाइम लीजिए, 2-5 मिनट का समय लीजिए, आप सॉल्व कीजिए इसको, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि होगा कैसे। हेलो, हाँ जी, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है क्या? अ मैन बोरोस रेट द 750 रुपीज फ्रॉम अ मनी लेंडर। एक व्यक्ति 750 रुपये उधार लेता है, तो वो पैसा जो शुरुआती पैसा होता है, जहाँ से कहानी शुरू होती है, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 750 रुपए बच्चे फ्रॉम मनी लेंडर, एंड द बिल इज रिन्यूड आफ्टर द एवरी हाफ ईयरली। हर 6 महीने में बिल रिन्यू होता है, इंक्रीजिंग ऑफ 21%। तो जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो 21% है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 21% बच्चे, ये 6 मंथ का है कि हर 6 महीने में बिल रिन्यू होता है और 21% इंक्रीमेंट के साथ में। After how much time the amount of will become, मतलब कितने समय के बाद ऐसा होगा कि आपका यही 750 रुपये जो आपने उधार लिया है वो आपका 7500 रुपये हो जाएगा, 7500 रुपये हो जाएगा। सवाल ये है आपका, बात समझे? तो आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बच्चे जनरली फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+R/100 एंड रेस टू पावर टी नहीं होता है, रेस टू पावर एन होता है। एन मतलब इंटरेस्ट कितनी बार चार्ज होगा, इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा, एन। तो अमाउंट तो मेरे पास में है, अमाउंट मेरे पास में है 7500, प्रिंसिपल मेरे पास में 750, क्लियर है? और 1+ रेट, रेट मेरे पास में 21% है जो कि 0.21 हो जाएगा, और n का मुझे भाई बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या है n। इसी के पीछे तो हम पढ़े, n निकाल दें। चलिए सबसे पहले ये मैं काटूंगा, तो मेरे पास में क्या बचेगा? 10, 10 इक्वल्स टू, डिवाइड हो जाएगा ना यहां पर आकर के, तो क्या बचेगा? 1.21 रेस टू पावर n। अब मैं उस n को डिनोमिनेटर में लेकर के आना चाह रहा हूं, तो कैसे लाऊंगा? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय लॉग, तो लॉग 10 इक्वल्स टू 1.21, मेरी बात समझे? और रेस टू ये क्या हो जाएगा, लॉग लगा देंगे, तो ये एन लॉग 1.21 दिस वन, ये हो जाएगा। अब मुझे लॉग 10 की वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कल की क्लासेस में, आप थोड़ा सा ध्यान करें बेटा। मैंने ये बताया था कि लॉग की वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास में 3 डिजिट हो। तो मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर 1 डिजिट हो तो कैसे हम लॉग निकालेंगे और 2 डिजिट हो तो हम कैसे लॉग निकालेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 डिजिट हो और 4 डिजिट मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आप लॉग वैल्यू निकालोगे। आप प्लीज लास्ट क्लास को देख लीजिएगा, तभी आप उस बात को समझ पाएंगे। तो खैर, ये तो 2 डिजिट में, मिनिमम 3 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगा करके मुझे 0 देना पड़ेगा, समझे? तो खैर, इससे मेरे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं पॉइंट के बाद 0 ले सकता हूं। अब मैं इसको 10 और 0 पे देखूंगा, तो 10 0 पे लॉग टेबल की मैं वैल्यू देखता हूं अगर, तो 10 0 पे लॉग टेबल की वैल्यू देखूंगा तो क्या मिलेगा? 0 0 मिलेगा। बेसिकली क्या होता है? 0 होता है। और यहां पर देखना पड़ेगा मुझे क्या, सबसे पहले कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद पहले वैल्यू क्या आएगी? 0 वैल्यू आएगी, क्लियर है? तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो कितने डिजिट का पॉइंट आएगा? 1 डिजिट का पॉइंट आएगा, क्योंकि 1 कम हो जाता है, ये लॉग वैल्यू में सिखाया था मैंने। 10 पे 0 देखोगे तो 0 इसकी वैल्यू आएगी, 10 पे 0, मेन रो 10 और आपका डिफरेंस 0,
तो आपकी जीरो वैल्यू आएगी, लेकिन दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो एट डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो एक आपके पास में आ जाएगा, मतलब कि इसके आगे दो डिजिट का पॉइंट है तो इसके आगे एक आ जाएगा, तो वन पॉइंट समथिंग होगा आपका। क्लियर है, कल सीखा था ना हमने। और यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, एन लॉग 121, तो मतलब 12 पे एक देखना है, पहले दो वाला किसमें आता है मेन कॉलम में, 12 पे एक देखना है, तो 12 पे अगर आप एक देख, बहुत पीछे जाना पड़ेगा यार, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो कर दो, अगर लॉग टेबल आपके पास में है तो 12 पे एक। अब ये एंटी लॉग है, 12 पे एक देखना है जी, हाँ 12 पे आ गए एक, क्या है 12 पे एक, 12 पे एक दिस वन, तो क्या है 0828, 0828 है, क्या है 0828, हाँ तो यहां पर क्या आएगा 08 एन इंटू 0828, और पॉइंट क्या है, पॉइंट का आगे क्या है, कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो इसमें एक कम कर देंगे तो 0 point something आएगा आपका, ये 0 point something आएगा, कल सिखाया था ना आपको मैंने। तो एन की वैल्यू क्या है, 1/0.0828, ये आपकी वैल्यू आई एन। तो आइए सॉल्व करते हैं, ये देखिएगा एक को डिवाइड कर देते हैं 0.0828 से, 1/0.0828, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा आपका 12 something आएगा, 12.07, तो जीरो हटा दीजिए, 12 आया, अप्रोक्सीमेशन में आंसर लेते हैं जब भी टाइम बताएंगे तो, अप्रोक्सीमेट लीजिए 12, तो एन मतलब 12, तो 12 साल या 12 बार ब्याज जाएगा, 12 साल या 12 बार ब्याज जाएगा, 12 बार ब्याज जाएगा, और हर 6 महीने में ब्याज जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हर 6 महीने में ब्याज जा रहा है, तो साल में 2 बार जाएगा और 12 बार जाएगा, तो मतलब 6 ईयर, तो वो 6 साल के लिए पैसा रखा गया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को, तो ऐसे आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, आसान सवाल था, मामूली सवाल था,